चौधरी साहब, हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं इस ख्याल से कि 11 सितंबर को क़ायद आज़म की एनिवर्सरी मनाई जाती है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम नशर होते हैं। मैं चाहता था कि इस दफ़ा आपके तासुरात कि आपसे उनकी कब और किस तरह से पहली मुलाकात हुई, उस वक्त के क्या हालात थे, आपके क्या एहसास थे, कुछ इस तरीके की बातें आप फरमाएंगे। भाई, मैं अब 82 बरस का हो चुका हूँ, इसलिए ना मेरी याददाश्त ठीक रह गई है और ना मैं अब इस काबिल हूँ कि ज़्यादा कुछ कह सकूँ। मैं करीब करीब अब सियासत से बिल्कुल से दस्तखत हो चुका हूँ। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ इसके मुतालिक बयान करूँ, तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि सबसे पहले मैंने मिस्टर जिना को, जो उस वक्त तक कायद आज़म नहीं थे, सन 16 में जब वो मुस्लिम लीग की सदारत के लिए कैसर बाग में लखनऊ में महाराजा महमूदाबाद के घर पर मेहमान हुए, उस वक्त मैं महाराजा महमूदाबाद का पर्सनल सेक्रेटरी भी था। इस वजह से मुझे उनसे मिलने का बहुत मौका मिलता था और मैं उनसे बहुत करीब था उस ज़माने में। उसके बाद भी मेरे बहुत उनके ताल्लुकात होते थे, मैं उनके लीग में भी शरीक हुआ, उनके तमाम उसमें जब वो मुस्लिम लीग में आए उसके बाद से मैं उनके साथ काम करता रहा, और यहाँ तक कि पाकिस्तान की जब लड़ाई शुरू हुई तो उसमें मैंने पूरी तरीके से उनके साथ ताउन किया। अच्छा, लखनऊ आने से कबल आपने उनके बारे में पहले कुछ सुना होगा, फिर मुलाकात हुई थी? सुना क्या, या मुलाकात हुई पहले? बराबर मुलाकात होती थी, हाथ पकड़ के कहते थे खलील, अगर तुम मेरे साथ नहीं काम करोगे तो मैं नहीं आऊँगा हिंदुस्तान वापस, ये भी हुआ। जी सही है। तो उनकी उस वक्त क्या चीज़ थी साहब आपको जो मुतासर करती थी, उस वक्त उनकी शख्सियत में क्या बात थी? भाई, शख्सियत में क्या बात थी, कायद आज़म बड़ी शख्सियत के मालिक थे और जो अपनी राय कायम करते थे उसके ऊपर सख्ती से आमिल भी होते थे, इसलिए उनकी बड़ी कामयाबी का एक राज था कि वो अपने अकायद में बहुत पुख्ता थे। सर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई।